काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर ये बताइए स्पोर्ट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन भी कह सकते हैं उसको स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, उसका जो एक पेपर होना है उसकी तैयारी कहाँ से करें कैसे करें, क्योंकि उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आप सब में फेल माने जाएंगे, तो उसकी तैयारी कैसे करें इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि मैंने बताया था चाहे आपके CCS यूनिवर्सिटी है चाहे आपकी और कोई यूनिवर्सिटी है, एग्ज़ाम तो होंगे और तब होंगे अगर मई तक आपका लॉकडाउन रहता है तो। ये खबर और सुन लीजिए आज की अपडेट, अगर आपका लॉकडाउन मई में चला जाता है, पूरी मई कवर कर लेता है, तो यूनिवर्सिटी ये चाहेंगी कि आपके एग्ज़ाम जून में कराए जाएं और कॉपी चेकिंग हो, टीचर्स की छुट्टियां बंद। लेकिन गाइज अगर जून तक भी लॉकडाउन रहता है फिर कोई मतलब नहीं है, पूरा मई भी लॉकडाउन है तब भी आपके एग्ज़ाम होंगे और जून तक का तो कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ मई तक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो ये मानकर चलिए मेरे ओपिनियन से एग्ज़ाम होंगे। सर अब ये बताइए स्पोर्ट्स की तैयारी कैसे करें, तो पहली बात ये समझ लीजिए स्पोर्ट्स का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि चाइना में जो वहाँ पे कराटे वहाँ पे जनरली सिखाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन होता है चाइना में कराटे होते हैं, जापान में जूडो होता है, ऐसे ही ताइक्वांडो होता है थाईलैंड में, ठीक है जी, ऐसे ही बहुत सारे आपके ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंपलसरी एक सब्जेक्ट पढ़ना। हमारे भारत में दो सब्जेक्ट कंपलसरी है जो प्राइमरी से लेकर और डिग्री तक सबको पढ़ाई जाती है, एक है फिजिकल एजुकेशन और दूसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण। फिजिकल एजुकेशन इसलिए है कि कहीं ना कहीं बच्चों को फिजिकली जोड़ना, लेकिन ये सब बातें केवल किताबी रह गई हैं। मैं मानता हूँ कॉलेजों में चाहे कोई भी कॉलेज हो, फिजिकल एजुकेशन के नाम पे बस ड्रामा होता है, वहाँ पर कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं कराया जाता बहुत ज़्यादा जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बड़ी बड़ी तोंद वाले बच्चे, बोने, लंबे, नाटे, सब तरह के बच्चे आपको मिलते हैं। दूसरा होता है फिजिकल एजुकेशन, क्या बताया मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन। तो ये उस समय की बात है जब पर्यावरण की स्थिति ख़राब हो गई थी, तो जब पंचवर्षीय योजना में देश में ये लागू हुआ था कि पर्यावरण सबको पढ़ना चाहिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, प्रदूषण को रोकना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट बना दिया था। तो ये दो सब्जेक्ट के लिए CCS यूनिवर्सिटी वालों के लिए खास बताऊँ मैं, आपके इनमें ग्रेड मिलेगा पहली बात, और भी यूनिवर्सिटी में अगर ये होंगे तो आपको ग्रेड मिलेगा, नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट के दोनों के नंबर काउंटेबल नहीं है। अब आपके अकाउंटेबल नहीं है तो सर इनकी तैयारी कैसे करें, पहली बात नंबर एक इसके लिए रूल है पास होने का, कुछ भी छोड़ के ना आए, लिख कर आए। मोस्टली चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके जीवन से लगी हुई हैं, सो इस सब्जेक्ट की तो कम से कम टेंशन ना लो। मैं जब एक स्टूडेंट था मैंने नहीं टेंशन ली, तो मैं आपको भी कहूँगा कि टेंशन मत लो। सो पहला काम है आपको सब कुछ लिख के आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आना। अब लिख के तो तब आएंगे जब कुछ पता होगा। अब ऐसे वो भी बच्चे हैं जो कहेंगे सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें तो बताओ क्या लिखें। सो उनके लिए सर तैयारी कहाँ से करें, तो देखिए जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, फिजिकल एजुकेशन के जो पेपर की बात कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को दो रूपों में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक आते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे बीमारियों के बारे में आते हैं, थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है ना, इनके बारे में है, और दमा है, ये इनके बारे में, और इसके साथ ही मतलब व्यायाम क्या होता है, योग क्या होता है, थोड़ा सा योग के बारे में आप पढ़ लीजिए, व्यायाम के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बीमारियों के बारे में आप पढ़ लीजिए, गूगल से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। साथ में आप थोड़ी सी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब सुबह उठने से लेकर, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ में खेलना कूदना ये सारे काम आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसके ऊपर। और दूसरा आता है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में ध्यान रहे कुछ दो तरह के गेम्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनेशनल, एक होते हैं डोमेस्टिक, तो आपको दोनों के बारे में पता करना है, तीन चार खेल के बारे में पढ़ लीजिए बस आपका काम हो जाएगा। नंबर एक फुटबॉल, नंबर दो टेनिस, नंबर तीन क्रिकेट, और नंबर चार आपका ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट ओलंपिक्स हुआ था, अगले ओलंपिक टोक्यो में है ये आपको बता दूँ, जो पोस्टपोन हो गए अगले साल के लिए, इस साल होने थे लेकिन वो अगले साल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो यही है जी इससे पहले कहाँ हुए थे। तो ये सारा आप पढ़िए, गूगल पर पढ़िए, आप सोशल मीडिया पर कहीं भी पढ़िए या बुक्स ले लीजिए कोई। सो गेम्स के बारे में चार गेम मैंने आपको बताए वो पढ़िएगा, और साथ में स्टूडेंट जो बच्चे मेरे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा योग के बारे में, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़िएगा, और वैसे तो एक मॉडल ले लो उसे ही पढ़ लो, और टेंशन जीरो कर दो पहले तो भाई, अपनी उन सब्जेक्ट की टेंशन लो ना जिनके मार्क्स जुड़े हैं, इनकी क्या टेंशन लेनी। मुझे कमेंट कर रहे हैं रेगुलर सर स्पोर्ट्स का बताइए ना तैयारी कहाँ से करें। सो बच्चे लोग आज से पहले भी आप पढ़े होंगे, 10th में, 11th में, 12th में, 9th में, वहाँ पे आपने कभी टेंशन ली या वहाँ पे पढ़े हो, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
बस पहला रूल याद रखना, लिख के सब कुछ आना, छोड़ के नहीं आना कुछ भी, ठीक है जी। आपको इतने मार्क्स मिल जाए क्योंकि टीचर भी सीरियस नहीं होते कॉपी चेक करते हुए, ईजी मार्किंग रखते हैं। और दूसरा पढ़ें तो ये चीज़ जो जो मैंने आपको बताई है तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा आता है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसकी तैयारी कैसे करें। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए जनरल सी बात है, तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पर्यावरण क्या होता है, सबको बताया परिपर्यावरण हमारे चारों का वातावरण। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग नोट कर लीजिए, पर्यावरण नोट कर लीजिए। जो आपका पोल्यूशन है, टाइप ऑफ पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और हाउ टू रिजोल्व इट, इसको कैसे हम रिजोल्व करें, इसके इफ़ेक्ट्स और व्हाट इज़ पोल्यूशन। सो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है जी, और बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, आपका सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अब ये सारे पोल्यूशन आपको पढ़ने हैं अच्छे से, इतना ही पढ़ेंगे और लिख कर आइएगा बना बना के, अच्छे हेडिंग डायग्राम वगैरह, है ना, दो चार कोटेशंस डाल दो, जैसे कि एक बच्चा एक पेड़ है ना, और ऐसे ही जल ही जीवन है, इस तरह के कोटेशन डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये थी आज की वीडियो, आप कमेंट करके बताइए मुझे अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आपको तैयारी करनी है, जो बच्चों के एग्ज़ाम से वो अपने घर पे सही प्रयोग करें इन चीज़ों का। थैंक यू।